नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबर का। पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेंद्र जैन द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नईगढ़ी पुलिस ने बीती देर रात एक ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा है, जिसमें से तकरीबन 15 से 20 पेटी शराब जब्त की गई है। बताया गया है कि शराब की यह खेप गढ़ शराब दुकान से नईगढ़ी की ओर लाई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन सहित शराब की खेप को पकड़ा है। वाहन नंबर के आधार पर मालिक की पहचान राकेश सिंह परिहार निवासी बुढ़िया के रूप में की गई है, जिन्हें गढ़ शराब दुकान का लाइसेंसी भी बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा फिलहाल आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब की खेप गढ़ की ओर से नईगढ़ी की तरफ लाई जा रही है, जिसे पैकारों के यहां पहुंचानी है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर नईगढ़ी थाना प्रभारी एसके द्विवेदी ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा है, जिससे 15 से 20 पेटी शराब जब्त होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल वाहन को थाने ले जाया गया है और वाहन नंबर के आधार पर मालिक की पहचान राकेश सिंह परिहार निवासी बुढ़िया के रूप में की गई है, जिन्हें गढ़ शराब दुकान का लाइसेंसी भी बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो स्थानीय शराब ठेकेदारों द्वारा गढ़ नईगढ़ी मार्ग पर की गई नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक वाहन को लेकर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद दो वाहनों के बीच टक्कर हो गई और शराब की यह खेप पुलिस के हाथ लग गई। कार्रवाई की सच्चाई क्या है, यह तो पुलिस के निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।